सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल करंट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैटरीज के बारे में, यानी आपके स्मार्टफोन बैटरीज के बारे में, जो कि आपको भी पता ही होगा कि दो टाइप्स में आती हैं, एक है ली आयन और दूसरी हमारे पास लीपो या कह सकते हो ली पॉलीमर बैटरीज। उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, हम इनके मेजर डिफरेंसेज निकालेंगे, मोटे मोटे डिफरेंसेज, जो मेन मेन डिफरेंसेज इन बैटरीज के बीच में, और वीडियो के एंड में हम ये जानेंगे कि कौन सी बैटरी किससे ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, आज आप ये वीडियो देखते जाए और हम इस वीडियो में आज इन दो बैटरी टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं, इनके डिफरेंसेज और कौन सी बैटरी आपको अच्छी रहेगी आपके मोबाइल फ़ोन के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पसंद लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी फ्यूचर में कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं इन दोनों बैटरीज के बारे में। तो ली आयन का मतलब है लिथियम आयन, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि लिथियम को हम केमिस्ट्री में शॉर्ट फॉर नेम उसका ली है, LI, तो इसलिए इसको नाम ली आयन है, तो आयन तो आपको पता ही होगा, तो लिथियम आयन और दूसरी हमारे पास लिथियम पॉलीमर। तो नाम तो चलो क्लियर हो गया कि दोनों बैटरीज का नाम क्या है ओरिजिनली, तो ली आयन यानी लिथियम आयन और ली पॉली का मतलब, या ली पॉलीमर कह लो जो लिथियम पॉलीमर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हम इस बैटरीज के स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ली आयन बैटरीज के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिचार्ज लाइफ ली आयन की, जो यानी लिथियम आयन जो बैटरी उसकी रिचार्ज लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो रिचार्ज लाइफ उसके है 300 से 400 लाइफ साइकिल्स है इसके, यानी 100 लाइफ साइकिल से मतलब यह है कि बैटरी जो आपकी 100% कितनी बार हो सकती है, यानी 100% एक बार हुई कम्प्लीटली डिस्चार्ज हुई, 100 कम्प्लीट फिर हुई, फिर कम्प्लीटली डिस्चार्ज हुई, तो इस तरह कितने साइकिल्स बैटरी आपकी रखती है, यानी कितनी कैपेसिटी है, कितने साइकिल्स आपकी बैटरी कितने साइकिल तक चलेगी, 100% फिर डिस्चार्ज, 100% फिर 0%, तो कितने साइकिल्स हैं। तो इसके हैं 300 से 400 अपनी पूरी लाइफ टाइम में, लेकिन 100% जब आपकी बैटरी होगी उस हिसाब से, अगर बीच में आप टॉप अप चार्जिंग करते हैं तो वो डिफरेंट बात है, उसको तो अलग रख लीजिए, लेकिन अभी हम मेजर डिफरेंसेस इनके निकाल रहे हैं। तो उसके बाद है दूसरी हमारे पास बात की चार्जिंग टेम्परेचर की, चार्ज जब आप इसको करते हो तो कितना टेम्परेचर होता है, तो इसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस से होता है इसका, आई थिंक हाँ 0 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक इस बैटरी का आपको चार्जिंग टेम्परेचर मिलता है जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हो। तो उसके बाद हम स्टोरेज लाइफ की बात करें, यानी आपकी बैटरी कितनी स्टोर कर सकती है चार्ज को, वो हर बैटरी का कम होता है, और कितना होता है इसका होता है लेस देन 0.1% एक महीने के अंदर, यानी बहुत कम, ना के बराबर कह सकते हो आप, तो स्टोरेज लाइफ की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमने जान ली लिथियम आयन बैटरी के बारे में स्पेसिफिकेशन उसके, अब हम चलते हैं लिथियम पॉलीमर बैटरी के स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो इसकी स्पेसिफिकेशन भी सिंपल ही हैं, तो सबसे पहले बिल्कुल वैसा ही सेम है, बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन, मैं आगे बताऊंगा कि इनमें डिफरेंसेस भी क्या हैं और हम जानेंगे कि अच्छी कौन सी है, क्यों है अच्छी, बस इतना समय आपको बता दूंगा। ली पॉलीमर इसकी भी रिचार्ज लाइफ वही है 300 से 400 साइकिल्स फॉर 100% बराबर, वो जैसा उसका था बिल्कुल सेम वैसा इसका भी है, चार्जिंग टेम्परेचर भी बिल्कुल सेम है 0 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और उसके बाद स्टोरेज लाइफ वही बिल्कुल सेम less than 0.1% per month, यानी 0.1% से बहुत 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 कम लूज़ होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी चार्ज की बैटरी की करने की। तो ये तो स्पेसिफिकेशन हो गया, आप डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, तो डिफरेंस उतने मेजर डिफरेंसेस नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ कि स्मार्टफोन कंपनीज जितनी भी हैं तो वो आजकल, अगर कोई आपको मोबाइल फ़ोन, जैसे अभी मेरा फ़ोन है तो उसमें है 3900 mAh की बैटरी, तो अगर वो लिथियम आयन की बैटरी थी मेरा फ़ोन कम से कम इतना मोटा होता, लेकिन अभी ये इतना सही है, मतलब थिन फ़ोन है और बैटरी कैपेसिटी भी मेरे पास ज़्यादा है, एमएच कैपेसिटी भी बैटरी की मेरे पास ज़्यादा मिल रही है। तो ऐसा लिथियम आयन के केस में नहीं, ये खाली आपको ली पॉलीमर आप एक क्रेडिट कार्ड की जितनी पतली बैटरी क्रिएट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड भी कह सकते हो, सोचो उतनी पतली बैटरी आप क्रिएट कर सकते हो और अच्छा खासा चार्ज उसमें स्टोर हो सकता है आपको फ़ोन रन करने के लिए। तो ली पॉलीमर की ये है बात कि आपको ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी मिलेगी और थिन बैटरी होगी, और इसकी एक डिसएडवांटेज है कि ये महंगी है, लिथियम आयन बैटरी से ज़्यादा महंगी। तो आपने भी ये कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि जो भी हाई एंड फोन रहते हैं जिनमें आपको बैटरी कैपेसिटी यानी एमएच कैपेसिटी बैटरी की ज़्यादा मिलती है, उनमें हमेशा आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलेगी, आपको लिथियम आयन बैटरी नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप ऐसे फ़ोन्स को लेते हो जिनमें बैटरी की एमएच कैपेसिटी कम होती है, तो उनमें आपको कोई इशू नहीं रहता है, आपको उसमें लिथियम आयन की बैटरी मिलती है। और ध्यान में ये रखने वाली बात है कि आपको जिस फ़ोन में आपको लिथियम पॉलीमर वाली बैटरी मिलेगी, वो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा बिकॉज वो बैटरी भी कॉस्ट ज़्यादा करती है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बैटरी का वो ज़्यादा है अगर लिथियम आयन के साथ आप कंपेयर करोगे। तो अगर आपके पास एक फ़ोन है, इसकी मैं एग्जांपल दे दूँ, स्पेसिफिकेशन सेम है बिल्कुल, और दूसरा फ़ोन है आपके पास उसकी भी स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ बैटरी का डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि एक में लिथियम आयन की है दूसरे में ली पॉलीमर की है, तो प्राइस ली पॉलीमर बैटरी वाले की ज़्यादा होगी। तो ये थे डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस मेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जो थिकनेस है ना बैटरी की,
वो अलग डिफरेंट है। आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 5 मिनट 41 सेकंड्स का अभी तक हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो और लंबा हो। तो समझ में आपको आ चुका होगा कि बैटरी जो है ली पॉलीमर ये थोड़ी महंगी है, ये डिफरेंस है एक, और बैटरी लाइफ पे इनको कोई असर नहीं है यार, दोनों का बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ एमएच कैपेसिटी अगर लिथियम आयन बैटरी की ज़्यादा तो उसकी आपको थिकनेस ज़्यादा मिलेगी, और जो ली पॉलीमर बैटरी उसकी आपको थिकनेस उतनी नहीं मिलेगी अगर आप कंपेयर करोगे लिथियम आयन बैटरी के साथ। बाकी बैटरी लाइफ पे कोई इसका डिफरेंस नहीं है, वो एमएच जो कैपेसिटी वो आपको दोनों मिल जाती है। आजकल वैसे फोन्स में लिथियम पॉलीमर बैटरीज ही चल रही हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी इन बैटरीज के डिफरेंस के बीच में, कोई बैटरी दोनों सेम है, बस मैंने जो कहा वो डिफरेंस है, एक छोटा सा माइनस डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ, और सब्सक्राइब करने में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।